नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। कहा जाता है कि इस दुनिया में मानव जीवन के लिए चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप है, जिसका जीता जागता मिसाल जनपद के ख्याति हड्डी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विमल द्विवेदी, जिन्होंने एक हफ्ते पूर्व 6 वर्षीय बालिका का चारा की मशीन से कटकर अलग हुए हाथ को जोड़कर सर्जरी की दुनिया में जहाँ एक तरफ इतिहास कायम किया, वहीं एक बालिका को विकलांग होने से बचा लिया। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज जनपद के ब्लॉक धानी अंतर्गत ग्राम बैशार के दयालीपुर निवासी सुखराम की 6 वर्षीय पुत्री अनुष्का का दाया हाथ चारा मशीन से बीते हफ्ते उसकी कलाई कटकर अलग हो गया था। बेहाल सुखराम ऐसी स्थिति में घायल पुत्री को लेकर नौगढ़ पहुंचा और जनपद की नामचीन चिकित्सक डॉक्टर विमल द्विवेदी ने आनन फानन में अनुष्का का ऑपरेशन करके उसका हाथ जोड़ दिया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि जब अनुष्का मेरे पास आई तो उसमें खून का रिसाव इतना हो गया था कि मात्र 5 ग्राम खून ही बचा था, किंतु ऐसी हालत में भी मैंने उसका ऑपरेशन किया और ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी रही कि अनुष्का का हाथ जुट गया और वह पूरी तरह से स्वस्थ भी है। इस कुशल ऑपरेशन के लिए जनपद के लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि चिकित्सक ने एक बालिका का विकलांग होने से नई जिंदगी दे दी, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। जैसे जिला महाराजगंज है और ग्राम सभा रामपुर है और टोला ये बुलरिया दियालीपुर है। नाम क्या है आपका? तो हमारा नाम है, वैसे राशि नाम सुखराम है, गुड्डू निषाद नाम कह के पुकारते हैं। क्या हुआ आपके बच्ची के साथ और कहाँ इलाज कराया? बच्ची ये हमारी 5 साल की है, ये पढ़ने क्या नाम है? इसका नाम है अनुष्का। उम्र कितनी होगी? अनुष्का निषाद, इसका उम्र है 5वां साल चल रहा है। तो ये गई थी पढ़ने, तो पढ़कर आई जब तो यहाँ पर खाना उना खाई। हमारे जैसे 2 घर है, एक रोड पे है, एक मतलब गांव में है। तो गांव में चारा काटने वाली मशीन है, तो ये सब गई वहाँ पे गांव में, तो पता नहीं क्या उस मशीन में कर रही थी, मतलब कुछ लकड़ी उकड़ी काट रही थी कि मतलब घास हो। तो एक और बच्ची थी गांव की, 7 साल की थी। तो ये जैसे गड़ासा जिधर लगता है उधरी से हाथ डालकर पता नहीं क्या काट रही थी, तो दूसरी बच्ची जो है चला दी चक्का। हाँ, चक्का चला दी तो हाथ कट गया। क्या अलग हो गया हाथ? हाथ अलग नहीं हुआ था, मतलब ये जो नीचे का हिस्सा है ये थोड़ा बचा था और बाकी ऊपर का तो कट गया था। तो हम लोग को पता नहीं चला था 10 मिनट तक, तो वहाँ कट के वैसे रो रही थी। हाथ हो मतलब खून जितना ब्लीडिंग था गिर गया था, 150-200 ग्राम खून बचा था इसके शरीर में। तो 10 मिनट के बाद हमको पता चला, तो हम तुरंत लेकर गए धानी अस्पताल में, धानी सीएससी पे लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर ने हमको सलाह दिया कि आप यहाँ लेकर चले जाइए, तो वहाँ एम्बुलेंस का सहारा लिया। उसके बाद में मैंने वहाँ सरकारी हॉस्पिटल पे गया, तो वहाँ से मैं फिर आया वहाँ पे जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, तो वहाँ एडमिट किया मैंने। हाँ, कितने घंटे तक इलाज चला और कौन किस डॉक्टर ने किया इलाज? इसका तो मतलब 1 घंटे तक चला था। उसका डॉक्टर का नाम है विमल द्विवेदी। तो क्या ऐसा लगता कि आपकी बच्ची का हाथ काम कर रहा है? हाँ, जब वहाँ पे मतलब जब ऑपरेशन हो गया तो उंगली इसका हिला कर देख रहे हैं, तो बाकी चल रहा है, देख लीजिए आप भी। हिला बच्चा, हिला उंगली इसका, हिल रहा है, देखिए आप। हाँ, इसका मतलब चारों पांचों उंगली जो है हिल रहा है सही से, अंगूठा भी। आपको लग रहा है आपकी बच्ची का हाथ सही हो गया? हाँ, अब लग रहा है कि मतलब बच्ची का हाथ सही हो जाएगा, सही सलामत हो जाएगा। डॉक्टर की कुशलता ने इसकी हाथ बचा ली? हाँ, डॉक्टर का कुशलता है कि इस बच्ची का जो है हाथ बचा दिए। तो आप इसके लिए धन्यवाद किसको देंगे? हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और ऊपर वाले की भी कृपा थी कि मतलब बच गई। एक्चुअली वो बच्ची आई थी, उसमें जो राइट रिस्ट है वहाँ से पूरा एक्सटेंसर सरफेस उसका जो है इनसाइज्ड था, केवल हथेली के तरफ केवल हल्का सा स्किन और वो बचा हुआ था। रेडियल आर्टरी, अलन आर्टरी भी लेसरेटेड थी उसकी। तो उसमें सबसे बड़ी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम ये थी कि उस ब्लीड काफ़ी कर गई थी, यहाँ आने पहुँचने तक बहुत काफ़ी ब्लीड कर गई थी और उसको इमीडिएट ब्लड वगैरह की भी ज़रूरत थी। ये उसके पहले जरूरी था कि उसकी ब्लीडिंग वगैरह सब जो भी ब्लीडिंग साइट्स होते हैं उनको चेक किया जाता, पहले उनको चेक करके फिर उसको जो है रेटिनाकुलम और एक्सटेंसर जो टेंडन्स थे जो रिपेयर हो पाए उसमें किए गए थे, वो उनको फिक्स किया गया।
और ये रिपेयर होने के बाद उसकी ब्लीडिंग चेक हुई, चेक होने के बाद उसको ब्लड एक यूनिट ट्रांसफ्यूज भी कराया गया था, तब जाके उसी जनरल कंडीशन में सुधार आया और हाथ भी उसका सेव कर लिया गया। तो सर क्या पूरे पांचों उंगलियां उसकी चल रही हैं ऐसा देखा जा रहा है? हाँ हाँ हाँ, पांचों चलेंगी उसकी। और अभी हम लोग बहुत ज्यादा उसको प्रमोट नहीं कर रहे चलाने के लिए, क्योंकि नया रिपेयर है, कहीं ना कहीं से कट थ्रू हो सकता है। तो सर ऐसे ऑपरेशन लगभग कितने कर चुके हैं आप? मेरे लिए तो 8-10-12 ऑपरेशन इस तरह के हो चुके हैं मेरे हाथों से। तो सिद्धार्थ नगर के लिए क्या माने बच्ची का जो आपने नौजवान दान दिया है? तो ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ऐसे ऑपरेशन करने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ केसेस आते हैं जैसे पूरी कलाई निकल गई है, या पूरा उंगली कट गया है, या पूरा लेट में पहुंच रहा है लेकर के, जो बिल्कुल एकदम नीला और सफेद पड़ चुका है, वैस्कुलरिटी एकदम खत्म हो चुकी है, उसमें तो बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जिनमें कलर और जिसमें वैस्कुलरिटी कोलेटरल्स डेवलप होने की संभावना रहती है, उनको जरूर बचाया जा सकता है। तो ऐसे ऑपरेशन करने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसका दाहिना हाथ था, उसका बच गया दाहिना हाथ, ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और बड़ा हर्ष का विषय है कि मैं यहाँ पे इस जगह पे मैं इस काम को कर पाया, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा।